Hello everyone, I extend a warm welcome to all of you in this episode of webinar series on CareerWheel app. So, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार में और आप पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि हम लगातार किसी न किसी टॉपिक के ऊपर वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो हाइब्रिड लर्निंग एनवायरमेंट शुरू हुआ है जो आप सभी देख रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर और खासतौर से कोविड पैंडेमिक की वजह से वो किस तरीके से उसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया है, स्कूल्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को उन्होंने किस तरीके से टैकल किया है, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारी लर्निंग आसान हुई है, हम उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज बात करेंगे. एंड वी आर वेरी प्रिविलेज टू हैव मैम मनीषा शर्मा और मैम जो है डीपीएस सिलीगुड़ी की प्रिंसिपल है. She has a vast experience of 32 years in education sector, more than 3 decades. And what we say, you know, pre-Google and post-Google era, ma'am have witnessed both the eras. So I think ma'am would be the right person to explain these particular changes, what we have seen, right? So I welcome you, ma'am. Thank you so much. My pleasure to be in this platform. Thank you, ma'am. So ma'am, I would like to start with, jise humne ye dekha ki this pandemic has affected all the sectors and education sector is no exception. So मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपने इस चेंज को मतलब इस पैंडेमिक की वजह से किन तरह के चैलेंजेस को फेस किया अपने स्कूल में और किस तरीके से आपने उसको फिर टैकल किया, कोप अप किया. बिकॉज ये सभी के लिए नई बात थी, टीचर्स के लिए भी नया था, स्टूडेंट्स के लिए भी नया था और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी एक नया चैलेंज था. देन हाउ डू यू डील विद दिस? यस मैम, देखिए मुझे याद आता है जनवरी 2020 में ये नहीं आया था, फैब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था. बिल्कुल मैम. और हमें सुनाई दे रहा था कि चाइना में कोई ऐसा वायरस आया है. बिल्कुल. और हमने कभी इतना सीरियस उसको लिया नहीं था बिकॉज इट वॉज इन अनदर कंट्री. पता नहीं था कि वो कुछ ही दिनों में इंडिया में भी एंट्री होने वाला है. yes. और इंडिया में जब एक केस आया और जब रजिस्टर्ड हुआ तो इतने पैनिक्ड हो गए सब. और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब पहला डे वन का ट्रायल उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, आई नो कि सब कुछ बंद. और वहां से शुरुआत हुई ये चैलेंजेस फेस करने की. yes, ma'am. और उस समय ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था किसी को भी. हमें लगा अभी आया है, विद इन अ मंथ और सो ये चला भी जाएगा. बट yes. उसको उसके साथ जीते जीते अभी हम ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड 1.5 years. yes, ma'am. And, जैसे कि हर इंसान में एडॉप्टेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और हम चेंज को जितने जल्दी अडॉप्ट करते हैं उतने जल्दी हम कोई भी चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं. इसी चेंज को अडॉप्ट करते हुए बहुत डिफिकल्ट था मेंटली इस बात को लेना कि यू आर लॉकडाउन नाउ यू हैव टू बी एट योर प्लेस. पर क्या सब चीज लॉकडाउन हो सकती थी? वही बात. और स्पेशली एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल. तो एक दिन का भी इसका नुकसान बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता था. और पूरे एजुकेशनिस्ट दे स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स टू द स्कूल लीडर्स, पेरेंट्स कम्युनिटी एंड द स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, जिसके बिना हमारी दुनिया नीरस है या इमेजिन नहीं कर सकते. बिल्कुल. तो इट वॉज अ टाइम जहां सारी चीजें नई थी, ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं थी, फिजिकल मिलना पॉसिबल नहीं था, मीटिंग पॉसिबल नहीं था. उसमें कुछ हैंडफुल लोग आगे आए. बिल्कुल. दे स्टार्टेड गिविंग द ट्रेनिंग टू द टीचर्स. यस. उस समय स्कूल लीडर्स का बहुत बड़ा रोल था. टाइम बिल्कुल भी ये नहीं था कि इतने बजे से इतने बजे जो ऑफिस आवर्स होता आप उसी में काम करेंगे. मैंने देखा टीचर्स को 2-2 बजे रात तक जा के काम करने के लिए. क्यों? क्योंकि there was no lockdown in education. Yes. उसके लिए जो ट्रेनिंग शुरू हुई, पहले तो हम लोगों ने व्हाट्सएप, जो बहुत इजीएस्ट वे था कि आप अपना रिकॉर्ड करो, व्हाट्सएप में डालो, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करो. तो दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ दिस जर्नी. और आज हम वहां पहुंच गए जहां ऑल द टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, आई शुड से, दे आर ट्रेन्ड इनफ टू मैनेज एंड दे आर कमिंग अप विथ new technology, new activities, all the competitions are taking place. Yes. Nothing is stopped and we are going as smoothly as we used to go during physical time.
बट हियर आई वॉन्ट टू मेंशन स्पेशली कि ये तो हम बड़े हैं मैनेज कर लिए, बच्चों का क्या, हाउ दे विल मैनेज द स्कूल क्लोजर, हाउ दे विल मैनेज द सेपरेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड द एक्टिविटीज व्हिच दे यूज्ड टू डू हियर, द मस्ती, द कैफेटेरिया एंड प्लेग्राउंड एंड द स्पोर्ट्स, एवरीथिंग. Yes. तो उनका जो मेंटल स्टेटस है, मुझे लगता है एजुकेशन से पहले बीइंग द प्रिंसिपल आई वांट टू सी दैट दे डू नॉट हैव एनी मेंटल इलनेस और दे आर इजली कोपिंग अप विद द टाइम एंड विद द चैलेंज एंड दिस एडवर्सिटी इज मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर विद डे. तो उनका जो साइकोलॉजिकल है, जो इनका फिजिकल हेल्थ है, जो इनका मेंटल हेल्थ है, जो इनका इमोशनल है, ये सारे को चेक करना हमारे लिए एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट बनता है. क्योंकि एक बंदे को आप तभी पढ़ा पाएंगे जब वो मेंटली फिट हो, मतलब कहीं स्ट्रेस ना हो, कहीं एंजाइटी ना हो, और वो ये चैलेंजेस को ले ले कि ठीक है दिस शेल टू पास. यस, इस साथ अगर वो बच्चा आगे बढ़ेगा तो इट विल बी वेरी इजी. सो वी हैव सो मेनी काउंसलर्स एंड लाइफ कोचेस और आई माइसेल्फ मोटिवेट माय स्टूडेंट्स अ लॉट, आई इंस्पायर देम अ लॉट. तो उसके साथ पेरेंट्स का भी सपोर्ट, अभी पेरेंट्स दो प्ले रोल प्ले कर रहे हैं, वन ऑफ द टीचर एंड वन एज अ पेरेंट. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई. जब तक बच्चे हमारे कैंपस में वापस नहीं आएंगे, हम चाहते हैं पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट हमें मिले ताकि हम एजुकेशन बहुत एफिशिएंटली आगे बढ़ा सकें. बिल्कुल मैम. सो जैसे आपने जो पॉइंट उठाया है कि एडेप्टिबिलिटी, बिकॉज देयर इज, दिस इज अ क्लीशेड यू नो स्टेटमेंट दैट चेंज इज समथिंग व्हिच इज परमानेंट, बट इन द 21st सेंचुरी चेंज इज सो फास्ट पेस्ड कि उसके साथ कई बार कोप अप करना बड़ा मुश्किल होता है. और जब हम यहाँ पे एक तरीके की इफेक्टिव हाइब्रिड लर्निंग अप्रोच की बात कर रहे हैं तो खासतौर से उसका रोल ज्यादा पड़ जाता है. बिकॉज आज के समय में दो की फीचर्स एक इंसान में होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और वो यही कि एक तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए दैट यू कैन लर्न अ न्यू स्किल क्विकली, एंड द सेकेंड थिंग योर एटीट्यूड ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. लाइक यू हैव टेकन द एग्जाम्पल्स ऑफ टीचर्स, दिस चेंज वॉज नॉट वेरी इजी फॉर टीचर्स एज वेल. बहुत सारे वीडियोज हमने देखे जहां पे टीचर्स 50 प्लस हैं और उनके लिए टेक्नोलॉजी के साथ उतना अक्वेंट होना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा रात के 2-2 बजे तक वो क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, बच्चों तक पहुंचा रहे हैं. तो ये तभी पॉसिबल है जब उन्होंने उसके साथ अडेप्ट किया. तो आपको क्या लगता है मैम, जो जो अभी हम कह रहे हैं फिजिकल, बिकॉज द लाइन बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल हैज बिकम प्रिटी ब्लर एंड वी आर लिविंग इन अ फिजिकल टाइम. So, right. क्या लगता है आपको कि इससे मतलब लर्निंग और इम्प्रूव होगी, जिस ऑलराउंड एजुकेशन की आप बात कर रहे थे, इसमें मेंटल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ भी है, और DBS इज वेल नोन फॉर इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड गिविंग ऑलराउंड डेवलपमेंट, बट वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. तो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी का रोल इसमें कैसा है मैम? अभी जो सर्वाइव कर पा रहे हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड हाइब्रिड लर्निंग तो 100% इट इज वेरी हेल्पफुल. इट इज 1-to-1 प्लस रिमोट, फिजिकल प्लस रिमोट, इसी के कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. मुझे याद है कि बीच में कैंपस में बच्चे आने लग गए थे 9-to-12. द स्टूडेंट्स वेर हियर इन द कैंपस. उस समय हमारा हाइब्रिड लर्निंग बहुत काम आया था कि अल्टरनेट डेज में और कम बच्चों के साथ हम बच्चों को बुला रहे थे. एंड कुछ बच्चे फिजिकल मोड में उस दिन पढ़ाई कर रहे थे, कुछ बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर रहे थे. Okay. तो जब तक आप ये ब्लेंड नहीं करेंगे दोनों चीज को, जब तक आप इन दोनों को लेके नहीं आगे बढ़ेंगे, जब तक आप समय के साथ चलना नहीं सीखेंगे, Yes, ma'am. तब तक आप जिंदगी में सक्सेस पा ही नहीं सकते. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाइब्रिड लर्निंग के साथ बच्चे इसलिए बहुत कंफर्टेबल है कि ये जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, देखिए बहुत जल्दी इन रोम डू एज रोमेंस डू होता है. तो बच्चे उस तरीके से डिजाइंड है कि बहुत जल्दी ढल जाते हैं. वी आर ओनली एक माइंडसेट है ये सिर्फ. जिस दिन आपने ले लिया मेंटली कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है या ये आपका लास्ट ऑप्शन है, फिर आप देखिए कि कोई भी चैलेंजेस आपको रोक नहीं पाएगी. तो यस, ऑफ कोर्स इट इज वेरी हेल्पफुल, इट इज वेरी एफिशिएंट. दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी एफिशिएंट, दिस इज वेरी इफेक्टिव, एंड
टाइम का कोई बॉदरेशन नहीं है, आप अपने कन्वीनियंट टाइम के साथ यू कैन गो विथ योर लर्निंग, यू कैन बी एट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड यू कैन गो अहेड विद. हमारे बच्चे जो सारे सिक्किम से लेके नेपाल से लेके बांग्लादेश के सारे बच्चे यहाँ है सिलीगुड़ी में, आपको पता है कि सब नेबरिंग प्लेसेस से आते हैं. तो हमारे बच्चे एक एंड में पढ़े बैठे हैं और पढ़ाई ऐसी ही चल रही है जैसे फिजिकल मोड में चल रही थी. और यस, थोड़े ग्लिचेस तो टेक्नोलॉजी में होते हैं, कभी नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं. दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस. सो वो दैट कैन हैपन इन फिजिकल मोड आल्सो. एब्सोल्युटली. उसके साथ बहुत अभी आप देखिए एग्जाम नहीं हुआ, नहीं तो फिर हम एक बार जो वेस्ट बंगाल में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन कहलाने का जो ताज हमारे साथ है जुड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल अभी ही लेके जाते. बट अनफॉर्चुनेटली मेनी स्टूडेंट्स वेर रिग्रेटिंग कि हमारा 10th एंड 12th बोर्ड कैंसिल हो गया. Yes, ma'am. Sorry, because that is board work, no, and the deadline is 4. Yes, okay. I'm so sorry. Okay, no problem. Yeah, so we'll continue. Ma'am, the next thing what I want to ask, like, कई बार हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो intrinsically motivated नहीं हैं आजकल. जैसे we as a leading online education platform, CareerWell, बहुत सारे बच्चों में हमने ये देखा है जो competitive segment में preparation कर रहे हैं, कि उनको हमेशा motivation की जरूरत होती है. जबकि अगर हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे वो एग्जांपल हम ले सकते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अगर आप उनको कोई पीस ऑफ पेपर दे दो तो वो पूरी तरीके से उसको मोड़ेंगे तोड़ेंगे. दे आर लाइक दे आर टेस्टिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एंड ऑल. सो दे हैव दैट इंक्विजिटिवनेस विद इन देमसेल्व्स. लेकिन धीरे धीरे वो इंक्विजिटिवनेस खत्म सा हो जाता है. और मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि जो ऑलराउंड डेवलपमेंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वांगीण विकास, शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो लैक करता है. कई बारी बच्चे का फोकस जो है वो सिर्फ करिकुलम के ऊपर है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिसमें जाहिर तौर पे जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं या और तरह के उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, लॉजिकल डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से थिंकिंग वो बेहतर कर सकें, इन चीजों पे हम मास लेवल पे काम नहीं कर पाते. और फिर शायद धीरे धीरे उनका वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है. वो कुछ डीपीएस जैसी जो कम्युनिटी है उन स्कूल्स तक पॉसिबल है. आप ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं बट मेजर चंक में ये पॉसिबल नहीं है. तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा नया एनवायरनमेंट है फिजिकल, ये क्या इसमें भी मदद करेगा बच्चों को मोटिवेटेड रहने में लॉन्ग रन? काफी समय पहले से, चाहे मैं सीसी की बात करूं चाहे ओवरऑल डेवलपमेंट, तो एक ये जो टैगलाइन है ये तो इसके बिना स्कूल का इमेजिनेशन नहीं हो सकता. बिल्कुल. तो ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी स्कूल की दुनिया में कि वो देखे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा हो बच्चों को स्पोर्ट्स के थ्रू, मेंटल यस एकेडमिक्स के थ्रू, आपका इमोशनल इतने सारे स्कूल में दैट इज कंपलसरी हो गया. अब चाहे आप म्यूजिशियन बोलेंगे तो म्यूजिक टीचर एक कंपलसरी है, आर्ट के टीचर एक कंपलसरी है. तो चाहे आप म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे और कोकरिकुलर एक्टिविटीज, चाहे पैनल डिस्कशन की बात करें, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, तो इतने सारे जो है, मतलब जो पेड़ पौधों का सेव एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं. बिल्कुल. और जो ओल्ड एज होम में हम बच्चों को लेके जाते हैं, हम सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, आपको सोसाइटी के प्रति भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो. बिल्कुल. और जो इवेंट के लिए, एक्सकर्शन के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, तो ये तो अब इंटीग्रल पार्ट है. इसके बिना तो इमेजिनेशन नहीं है. इट्स नॉट ओनली डीपीएस जैसे ब्रांडेड स्कूल, आप कोई भी स्कूल में जाएंगे तो इतना ड्राई जाएगा अगर सिर्फ लिखना और पढ़ना और लिखना और पढ़ना है. नाउ जो टीचिंग और लर्निंग है दैट इज बियॉन्ड द क्लासरूम. मेरा तो ये मानना है कि उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन मोड कुछ नहीं होता. सिर्फ टीचिंग क्लासरूम से बाहर आ चुकी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से. वन सेकेंड प्लीज. एक्सक्यूज मी. यस मैम.
आई एम सॉरी ओके सो ये डेवलपमेंट इनकेसिटिवनेस खत्म नहीं होता. आजकल की तो जनरेशन आप देखिए कि ये मोबाइल के साथ पैदा होते हैं बोलते हैं, तो इनको जो ओल्डर जनरेशन है उससे अच्छा टेक्नोलॉजी को हैंडल करना आता. बिल्कुल इतने क्वेश्चंस कि बड़ों को तो मुझे लगता है गूगल करके उनके क्वेश्चंस का आंसर निकालना पड़ेगा. मैं जब ऑनलाइन क्लासेस में जाती हूँ छोटे छोटे बच्चों को अपने आप को अनम्यूट करना आता, उनको बोलने की टर्न दिया जाए, रेज हैंड का ऑप्शन उनको पता है, चैट बॉक्स में अपना मैसेज लिखना उनको पता है, लीव द रूम उनको पता है, एंड टू लॉग इन एंड लॉग आउट उनको पता है. मतलब This is nursery class I am talking about. Yes. So, आजकल के era जो है, they are full of creativity, innovation. जो हमारी NEP 2020 भी बोल रही है, joyful learning होना चाहिए, experiential learning होना चाहिए, yes. and on practice होना चाहिए. तो ये सब के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और उनका विकास हो रहा है. अभी देखिए जो physical mode में जो sports वगैरह मिस कर रहे हैं. Yes, yes, ma'am. वही मेरा अगला भी question था कि किस तरीके से हम उसको टैकल करने वाले हैं. हाँ, तो ये मतलब इमोशनल हेल्थ पे बच्चों के एक काफी फर्क पड़ा है इसकी वजह से. वो उनकी ग्रुपिंग खत्म हो गई है जो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलते थे वो. तो ऐसे में हम ये बोल सकते हैं कि मेडिटेशन कैन बी डन एट होम, योगा कैन बी डन एट होम. तो Absolutely. जो लोगों का पूरा ओवरऑल एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं, आप अपने छत में चल सकते हैं, आप अपने कॉरिडोर में चल सकते हैं. अगर आपके एरिया के पास ऐसे वॉकेबल कुछ ट्रैक्स बने हो तो आप उसमें वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आप जा सकते हैं. यस मैम. तो सेफ्टी के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं. जब मॉल में आप निकलने लग गए, जब आप पार्टीज में जाने लग गए, वहां आप पेंडेमिक के बारे में नहीं सोच रहे हैं. तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो आपकी हेल्थ है. हेल्थ इज वेल्थ एज यू नो. तो उसके लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर में कर लीजिए. म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक सुनिए. अगर आप गाना गाना पसंद करते हैं तो आप वो करिए. आप कुछ इनोवेशन कर सकते हैं. कई को मैंने देखा है इसमें टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करते हुए. राइटर्स ने कितनी किताब लिख लिए, टीचर्स ने कितने किताब लिख लिए, बच्चों ने नए गाने कंपोज कर लिए. हमारे ही 10th क्लास का बच्चा अभी हैज रिटन वन ऑफ हिज बुक. ओके तो यस, तो ये टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है और आपके पीछे कौन खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो पेरेंट्स भी काफी साथ दे रहे हैं बच्चों का और हम एजुकेशनिस्ट तो अपना रोल बहुत बखूबी निभाई रहे हैं. कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम. सो एब्सोल्युटली कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू करिए, आप वीडियो कॉल करिए, आप एक नॉर्मल कॉल करके बच्चे से बात करिए, मेल के थ्रू बात करिए, टेक्स्ट कर दीजिए, तो वो एक टेक्स्ट से भी बच्चों को आप बाहर निकाल सकते हैं. यू हैव टू हैव अ कनेक्शन विद द चाइल्ड. तो बच्चों के साथ एक कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ कनेक्शन विद द चाइल्ड, आई डोंट थिंक द चाइल्ड इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर. So, absolutely. Before you go ahead with the learning, you have to have a connection, whether of irrespective of any age, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, 12th का हो, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये एहसास कराना बहुत जरूरी है कि हम आपके साथ हैं. बिल्कुल, because in the current times when we are flooded with information, there are chances to be swayed away by that information as well, जिसकी हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में. और इसीलिए जो पॉइंट आपने रेज किया कि पेरेंटल गाइडेंस, ये दोनों तरह का माध्यम है. हम एज इन टीचिंग फ्रेटर्निटी या एजुकेशन सेक्टर के तौर पे इधर से अगर बच्चों तक कुछ ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पीछे से पेरेंट्स का भी वो सपोर्ट चाहिए कि वो जरूर ये देखें कि बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि चांसेस दोनों तरफ है. वो हे वाय जाने का भी चांसेस होते हैं उसमें. साइबर सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. बच्चे जब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स का अगर वॉच नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, तो बच्चे एस्ट्रे जा सकते हैं. बिल्कुल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके एडवांटेजेस उन लोग ले रहे हैं, उसके थ्रू वो पढ़ के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और दे आर लाइक इन टू अ रॉन्ग पाथ. Absolutely. They may have the cell with them, they may have the device with them along with the Wi-Fi connection. Yes. Whether they are attending the class or they are skipping the class. Yes. A watch, a monitoring should be there. So Absolutely. I think parents play very important role because we are sitting on the other end. Yes. So parents need to watch and they need to update with the learning, what is learning is going on in the school. So they need to update themselves. Absolutely. कहां तक पहुंचा बच्चे ने, कहां तक पढ़ाई किया,
कब इनके असेसमेंट शुरू हो रहे हैं, कब इनके असेसमेंट खत्म हो रहे हैं, एक्टिविटीज भी चल रही है हमारी कंटिन्यूएशन में. वी आर हैविंग, अभी देखिए आप कारगिल विजय दिवस है हमारा 26 तारीख को, तो वी आर कंडक्टिंग ए पैनल डिस्कशन ऑन दैट. तो एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन. टुडे वी सेलिब्रेटेड गुरु पूर्णिमा इन आवर स्कूल. हमारा डिस्कशन बहुत ही अच्छे दिन हो रहा है मैम. हाँ, बहुत अच्छे दिन. बच्चों को आशीर्वाद मिल रहा है आपका. बिल्कुल. मैं समझती हूँ कि जो भी देख रहे हैं हमें वो डेफिनेटली इससे बेनिफिट हो. तो गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन भी हुआ, हिंदी डिपार्टमेंट को मैंने बुलवाया था, नंबर ऑफ फ्यू टीचर्स वे गया. तो टाइम टू टाइम मैं ये सारी एक्टिविटी करते रहती हूँ. बच्चों के लिए भी अभी अपडेट रखा था, हिस्ट्री का एक आया था जो राज्यसभा से कि रिफॉर्म इन द डिजाइन एंड द कंटेंट ऑफ द हिस्ट्री बुक्स, तो उस पे भी मैंने पैनल डिस्कशन बुलवाया था. तो वी आर गोइंग अहेड. हमारे कई बार हम लाइव चले जाते हैं, कई बार हम लाइव नहीं जाके रिकॉर्डिंग हम पेस्ट कर देते हैं एंड दैट वी शेयर विद आवर स्टूडेंट्स. तो दैट इज गोइंग ऑन. हमारे जो जितनी एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे मंथली डिजाइन हुई है, वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट. एंड स्पेशल असेंबलीज जो होती है, चाहे आपका कारगिल दिवस का हो, चाहे वो टीचर्स डे का हो, टाइम टू टाइम चाहे दशहरा का हो, कुछ भी हो, उस पे स्पेशल असेंबलीज आर कंडक्टेड एंड द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग इन दैट. तो सारा हमारा चल रहा है उसमें, कहीं भी इनकी ग्रोथ ना इफेक्ट हो एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ देयर ग्रोथ एंड देयर एक्सीलेंस. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इन द करेंट टाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट अबाउट ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, जिसको हमने शुरुआती सालों में काफी दरकिनार किया. आईक्यू पे ही फोकस रहा, बट उस एस्पेक्ट पे फोकस ज्यादा है और ये अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो शायद जो भी कुछ आप कंज्यूम कर रहे हैं या कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे. नहीं, ये जो चैलेंजेस है, देखिए सीधा सीधा ये इमोशनल ईक्यू के साथ जुड़ता है कि बच्चे जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे. आई थिंक एजुकेशन टीचेस देम टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस इन देयर लाइफ. एब्सोल्युटली, दे नीड टू बी स्ट्रॉन्गर विद द टाइम एंड दिस इज वॉट एजुकेशन टीचेस देम. मतलब जिंदगी का कोई भी फेस हो, आप उसको कैसे लेते हैं. बहुत ईजी है बैठ के रोना. And it's absolutely very difficult. It's very difficult to overcome the challenges and look forward. तो ये हमारे जब teachers जो gap होता है हमारा, जब online classes चल रही है उसमें 10 minutes का break है, because continuation में screen में देखते हुए उनके eyes में या health के effect ना हो उसका, तो वो जो 10 minutes का gap है वो break भी होता है. हमारा जो recess time है, अगर कुछ बच्चे class में रह जाते हैं तो उनके साथ बात होता है, assembly के समय बातें होती है. तो वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर ईक्यू ऑल्सो. तो ये जो एक इमोशनल बैलेंस सिखाना बच्चों को इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. इट इज, इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द करिकुलम. तो वी नीड टू ट्रेन देम इन सच अ वे दैट हाउ एवर एंड वॉट एवर द सिचुएशन मे बी, हाउ यू हैव टू कोप अप. Absolutely. तो आपको मेंटल सेटअप ऐसा बनाना पड़ेगा, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. When I'm saying it's easy, it may seems to be very easy, you know, but बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. हो सकता है कि 70% बच्चे बहुत अच्छे से कोप अप कर जाएं और 10% 20% या 30% बच्चे को काउंसलर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज जब तक वो ओपन अप नहीं होंगे, खुल के बात नहीं करेंगे. सुशांत का क्या केस था बताइए, वो बोल नहीं पाया किसी. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बोलती हूँ कि ओपन अप, जिसके साथ आप कंफर्टेबल है उनके साथ शेयर करिए. फ्रेंड्स, मम्मी पापा, आपके सिबलिंग, रिलेटिव्स, आपके नेबर, आपके टीचर्स, आप जिसके साथ कंफर्टेबल है, यू नीड टू टॉक टू देम. अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू एनीथिंग, जो आपको हो सकता है कि घर में बैठे बैठे आप इस चैलेंज के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं है कि जिंदगी जीना कैसे है, आप बोर हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस से, आप जो पिंजरे में बंद फील कर रहे, यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, यू वॉन्ट टू फ्लाई, तो आप शेयर करिए. और जब आप शेयर करेंगे, सामने वाला 100% आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देगा. और मुझे लगता है शेयरिंग से ही आधा आपका चले जाता है. बिल्कुल. जब प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट. तो ये ईक्यू वी नीड टू टेक केयर ऑफ. एब्सोल्युटली. इस लेवल पे संभालना, उनका साइकोलॉजिकल समझना. Yes. बड़ों के साथ प्रॉब्लम ये है, जनरेशन गैप मैं इसको कहती हूँ, जहाँ आप सिर्फ रूल करना जानते हैं, जहाँ yes. बच्चों को बैठ के सुनते नहीं, आप सुनिए तो वो प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता है उनको. बिल्कुल. तो बच्चों को बोलने का पूरा पूरा चांस देना चाहिए.
और जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनके ओपिनियन यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग देयर ओपिनियन. एब्सोल्युटली एम्पैथी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि शू कहाँ पिंच कर रहा है. जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि शू कहाँ पिंच कर रहा है यू कैन नॉट ओवरकम दैट. सो एम्पैथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. बिकॉज हम यहाँ पे मैम हाइब्रिड लर्निंग की बात कर रहे हैं. होलिस्टिक जो हम अभी बात कर रहे हैं वो होलिस्टिक लर्निंग है. बिकॉज वन वी टेक केयर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बोथ आईक्यू यूक्यू दोनों की बात कर रहे हैं और तभी ऑलराउंड ग्रोथ पॉसिबल है. मैम व्हाट आर योर फाइनल वर्ड फॉर यू नो स्कूल लीडर्स आर एनी वन हु बिलोंग्स टू दिस फ्रेटर्निटी कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करें टू अडेप्ट दिस न्यू एनवायरमेंट. Okay, I can only say that at times you be the friend to them, at times you be the philosopher, at times you be the guide, mentor, motivator, and inspiration, and lead by example. Yes. So you need to have that, and you are like mother figure to the children. Absolutely. So, गुरु के साथ साथ उनके दोस्त बन जाइए, उनके फिलोसोफर, उनके गाइड बन जाइए, उनको समझने की. हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने से पहले उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. और आप 24/7 वी हैव टू बी विद देम. इसका एहसास बच्चों को होना बहुत जरूरी है पूरे समय. यू नीड नॉट टू बी इन द फिगर ऑफ जो प्रिंसिपल का फिगर है, स्कूल लीडर का फिगर है. उससे बाहर आके आप जब बच्चे से मिलेंगे तो सर वन सेकेंड जब आप उससे बाहर आके मिलेंगे तो आप एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट बनाएंगे. और हमारा काम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके एग्जामिनेशन या असेसमेंट ही नहीं, हमारा रोल उससे बहुत बड़ा है. बहुत जब बड़ा है. हम ये इंडिया अगला आने वाला जनरेशन कैसा होगा, इंडिया कैसा होगा, जैसे हम अपने बच्चों को बनाएंगे बिल्कुल वैसा होगा. तो बच्चों का एक अलॉन्ग विथ एजुकेशन यू नीड टू हैव to make them a good human being. Absolutely. Which is more important. That is you the basic requirement. You need to inculcate all the moral values and ethics in them. So, ye hamari sole responsibility ho ki jab ek murtikar murti banata hai to uska nail naksh kaise hoga, ye wo murtikar ke haath mein hai. To hum murtikar hain, bachcha kaise bada hoga, jab adult mein convert hoga to wo kaisa hoga, ये मैं समझती हूँ बहुत जो इक्विवेलेंट टू पेरेंट्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही एक स्कूल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Absolutely. And we need to take care of it. I am absolutely in agreement with you, ma'am. Because that's the difference. जैसे आपने कहा कि we need to wear multiple caps, whatever is required. हमेशा टीचर बनने की जरूरत नहीं है. आप टीचर भी हो, मेंटर भी हो, फ्रेंड भी हो, कोच भी हो, पेरेंट्स का भी रोल आपको कई बार निभाना पड़ सकता है. जैसे जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल्स में है. And your job is to bring out the best of that particular child rather than imposing something. Yes. जो हमें समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चे का bend of mind अलग है, उसका रुझान किस तरफ है. जैसे हमारे यहाँ एक normal trend है कि कई बार लोग graduate हो जाते हैं and after that they do not know कि उनको क्या करना है, या शायद वो जानना शुरू करते हैं, पूछना शुरू करते हैं कि what they should do. So ये चीज आपको पहले से ध्यान रखनी पड़ेगी और वो तभी होगी जो पॉइंट आपने रेज किया कि we need to empathize with our children, with our students. We need to talk to them. उन्हें छोटा नहीं मानना, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि वो बहुत इनक्विजिटिव है, वो कोई भी चीज पूछते रहते हैं जब तक उनको आंसर नहीं मिलता वो सोते नहीं है. लेकिन शायद हमारे अप्रोच में ये गड़बड़ हो जाता है कि वो बच्चा कुछ टाइम के बाद चुप होने लगता है और फिर वो रोट लर्निंग में आने लग गया और फिर वहीं पर उसका मोटिवेशन शायद लैक करना शुरू कर देता है. जो बच्चे बार बार ये सवाल मेरे पास भी आए कि मैम से पूछेगा कि हम मोटिवेटेड कैसे रहे, उनको हमेशा वो फ्लैश चार्ट वाला फ्लैश टॉर्च चाहिए जो उनको मोटिवेट करे. तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका एनवायरमेंट कैसा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ योर एनवायरमेंट इज गुड यू विल रिमेन मोटिवेटेड ऑल द टाइम. उसके लिए आपको पॉजिटिव किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है. हमारे दिन की शुरुआत देखिए, मोस्ट ऑफ द 99% लोगों के यहाँ न्यूज हेडलाइंस पढ़ के शुरुआत होती है दिन की. और न्यूज हेडलाइंस पे आप मुझे पॉजिटिव न्यूज बता दीजिए. बिल्कुल नहीं, वो जो बुलेट न्यूज आती है मैम बहुत खतरनाक होती है. ही नेगेटिव से करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो इफ यू विल स्टार्ट योर डे विथ नेगेटिविटी, हाउ कैन यू स्टे मोटिवेटेड. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे दिन की शुरुआत आप पूछेंगे तो मैं हमेशा कुछ भी इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल, चाहे वो 2 मिनट का वीडियो हो, चाहे 3 मिनट का हो, चाहे कोई एक फ्रेज हो, चाहे कोई कोटेशन हो,
आई स्टार्ट माई डे विद दैट. तो ये आप जब शुरू करेंगे, जब पॉजिटिव थॉट आप अपने दिमाग में लाएंगे, आपके जैसे थॉट्स होंगे वैसे ऑरा होगा आपका. बिल्कुल. तो आपको पॉजिटिविटी, चाहे आप किताब पढ़ लीजिए, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आप यू हैव टू हैव अ कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर. यस, वो आपको बहुत हेल्प करता है. आप अपने मम्मी को जाके हग कर लीजिए, उनसे बात करिए, उनको किस करिए. बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते नहीं. आप अपने माता पिता को बहुत प्यार करते होंगे, पर कब लास्ट आपने उनको एक्सप्रेस किया? आप ये तो बोलते हैं, ये तो एक्सपेक्टेशन आपके हैं कि मदर एंड फादर शुड एक्सप्रेस देयर लव फॉर देम. देन लास्ट व्हेन यू हैड सेड आई लव यू मामा, क्यों आप मदर्स डे का इंतजार करते हैं? वो कहने के लिए, कुछ स्पेशल करने के लिए. तो आप कुछ भी, या भजन आप लगा लीजिए, या आप थॉट देख लीजिए, या किताब से आप एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए. अगर आप अपनी रिलीजियस बुक से दो लाइन आप पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें आपको कभी भी मेंटली नीचे नहीं जाने देगी, कभी स्ट्रेसफुल नहीं होने देगी, कभी एंजाइटी आपको दूर दूर तक छू नहीं पाएगी. और मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि योगा एंड मेडिटेशन हेल्प्स यू अ लॉट. अगर आपको म्यूजिक पसंद है, आप म्यूजिक सुनिए. आई एम अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, सो यू नो व्हेन एवर माई मूड इज ऑफ, वन सॉन्ग विल टर्न मी ऑन. Yes. तो आपको अगर म्यूजिक जो आपको पसंद है, अगर आपको ड्राइंग, एनी एक्टिविटी व्हिच रिलैक्सेस योर माइंड, दैट्स इट. हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं आज की जनरेशन, स्क्रीन से निकल के स्क्रीन में जा रहे हैं. Yes. तो आप रिलैक्स नहीं हो पाते. जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और हम अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हैं, फिर आप मोबाइल लेके बैठ जाते हैं. बिल्कुल. आप फेसबुक स्क्रॉल करने लगते हैं, आप इंस्टा स्क्रॉल करते रहे. You cannot refresh your mind in that way. What you love, you have to do that. If you love gardening, go for it. आप एक प्लांट लगा के देखिए, इंतजार करिए कि उसमें फूल कब खिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. आपको इससे ज्यादा मोटिवेशन कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? नेचर में देखने से बहुत कुछ मिलता है इस तरह की एक्टिविटी. आप नेचर में चिड़िया की आवाज सुनिए. आप पेंटिंग पसंद है तो आप पेंटिंग करिए. आपको म्यूजिक पसंद है, गाना गाना, तबला बजाना पसंद है तो आप तबला. इवन आई वुड लाइक टू शेयर एन एक्सपीरियंस मैम, इसी बात पे मुझे याद आया. अराउंड 6 to 7 इयर्स बैक मैंने इस तरह की एक्टिविटी इंजीनियरिंग कॉलेज में करी थी विद देयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. आई मेट देम वॉक्ड इन देयर पर्टिकुलर कैंपस. मैंने कहा सारे मोबाइल छोड़ के जाओ, कोई भी अपने दोस्तों के साथ नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे कैंपस में पौधे लगे हैं, फूल लगे हैं, जरा उनको ऑब्जर्व करो. चुपचाप रहना, ऑब्जर्व करो. आधे घंटे के बाद आना है एंड यू नीड टू राइट अ रिफ्लेक्शन, like whatever you have observed, whatever you have felt. And the students wrote 2 pages on that particular experience. And they were even absolutely flabbergasted of the fact ki, sir, humne to kabhi dekha hi nahi, 4 saal se isi campus mein aa rahe. To jo point aapne kaha ki wo paudhe lagana, nature ke saath observation sikhana bahut zaruri hai. Otherwise, this mindless scrolling, whether on the TV screen or your mobile screen, you are just trying to outsourcing your anxiety and frustration. And that will be of no help at all. So, ये सिखाना बहुत जरूरी है. और जो पॉइंट आपने कहा, मैं भी बार बार स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूं कि हम आपके शायद साथ 1 घंटे या 2 घंटे के लिए मिले, बाकी 22 घंटे 20 घंटे आपके पास हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ इनपुट यू आर गिविंग टू योर सेल्फ, जो भी हमारे मीडियम्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से, यानी जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन सबका इंपैक्ट आपके ऊपर होता है. एंड यू आर द सोर्स. इफ यू आर डिवाइडेड, व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू, दैट विल ऑलवेज बी डिवाइडेड. Yes. And just जब बच्चा ये कहता है कि I want to give my 100%, that is not possible when you are fragmented, when you are divided, whatever you are going to do, that will always be divided. Yes. As simple as that. तो वो जो आपने बात कही कि एक एंटिटी के तौर पे इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है, और इसमें हमारे पेरेंट्स का, जो पूरा हमारा सोशल सेटअप है, उनका भी काफी योगदान है. कई बार उन्हें लगता है कि जिम्मेदारी सिर्फ टीचर्स की या स्कूल्स की है बच्चों को बनाने में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा. सो थैंक यू वेरी मच मैम. Okay. If you want to share something, as in, I only words. Want to say that this time we will overcome this time. Yes. इस समय से घबराने की जरूरत नहीं. बिल्कुल. आज अंधेरा है तो कल उजाला जरूर आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. So, night is always followed by day and day is followed by night, and this is the part and parcel of life. Absolutely. Sometimes you may have failures in life. Sometimes you may have success in your life. That is. Yes. Parts of the same coin. तो इससे घबराने की sinusoidal graph will always be on. तो इससे घबराने की जरूरत नहीं. ये this shall to pass. मुझे तो ये अमिताभ बच्चन ने एक बार एक वीडियो में कहा था कि मैं अपने पिताजी के पास गया और मैंने कहा कि ये
लाइफ जो है वो बड़ी अप एंड डाउन चलती है और इट्स नॉट इजी, तो उन्होंने कहा था कि देखो जब भी ऐसा जब आपके मन का होता है तो अच्छा, और ना होता है तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की मर्जी होती बिल्कुल, है बिल्कुल, और बिल्कुल. जब तक चैलेंजेस नहीं हो तो जीने का मजा ही नहीं है. एज इट इज सेड इन इंग्लिश दैट स्मूथ सी कैन नेवर प्रोड्यूस अ ग्रेट सेलर. यस, तो ये बहुत जरूरी है कि जिंदगी के थपेड़े जब तक नहीं आएंगे, आप जब तक विंड के अगेंस्ट सेल करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप एक अच्छे सेलर नहीं बन पाएंगे. तो ये समय भी गुजर जाएगा, इसको दिमाग में रखते हुए यू नीड टू हैव एवरी सेकेंड एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. आप इतना ब्यूटिफुली इसको स्पेंड करिए, ये पूरा आपके विदन है, सब कुछ आपके अंदर है. ये आपका माइंडसेट है कि आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपका माइंडसेट है कि आप इस टाइम को हंसते हुए गुजारेंगे कि रोते हुए, ये टोटली सोली इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल. एनवायरमेंट थोड़ा बहुत परसेंटेज ऐड करेगा, थोड़ा बहुत आपके दोस्त करेंगे, थोड़ा बहुत आपके पेरेंट्स करेंगे, थोड़ा बहुत आपके टीचर्स करेंगे, बट इट इज कम्प्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. You are the main line. Rest all are just helping hands. वो अलग अलग मौकों पे आपको टच करेंगे, लेकिन आप ही मेन लाइन है, वो जिम्मेदारी आपको लेनी है. You can take the horse to the water, you cannot make it drink. Yes, absolutely. तो आप ही को करना होगा, आप ही को पढ़ना होगा, आप ही को इससे उभरना होगा, आप ही को आगे बढ़ना होगा. जिंदगी आपकी है, हम सब आपको साथ दे के गाइड कर सकते हैं. बिल्कुल मैम, वहां उस मंजिल तक पहुंचना नहीं पहुंचना ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. इट वॉज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू एंड बिग थैंक्स टू यू फ्रॉम द करियर विल टीम एंड more than 3 million students of this particular on this particular app. Thank you very much. I congratulate and I'm very thankful for you to provide me this platform to speak and to put up my insights on your platform. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much.